गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं क्लास ट्वेल्थ की सेकंड पोयम का एक लेक्चर लेकर, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। जैसा नाम है वैसी ही बहुत ही सुंदर पोयम है। This poem is composed by Thomas Carlyle. यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कोटेशन लिखी है, When someone else's happiness is your happiness, that is love. यदि किसी की खुशी में आपकी खुशी है तो वही सच्चा प्यार है। वास्तव में सच्चा प्यार क्या है, इस बारे में बताने के लिए थॉमस कैरियो ने इस पोयम की रचना की है जो आज हम पढ़ेंगे। और वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल पोयम कंपोज बाय थॉमस कैरियो। यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे। द ट्रू ब्यूटी अबाउट द पोएट, थॉमस कैरियो वाज द फेवरेट पोएट ऑफ किंग चार्ल्स of King Charles I of England. He was born at West Wickham in 1595. He was Cornish blood. His father Matthew Carew was a master of Chancery. He was educated at Corpus Christi College, Oxford. He belonged to the group of writers known as the Cavalier Poets. He was influenced by Ben Jonson and John Donne. He is known for his lyrics. His poems are easy and graceful. His favorite theme is love and honor. As you looking at this poem, his poems are highly musical. He is very fond of smiles and metaphors. He is very fond of similes and metaphors. सिमिली और मेटाफर्स का इन्होंने अपनी पोएम्स में ज्यादा यूज किया है। ही रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स विच वर वेरी पॉपुलर इन हिज डे। थॉमस कैरियो बहुत ही एक किंग चार्ल्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के राजा थे उनके फेवरेट पोएट्स में थे से एक थे, और वो 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे 1595 में। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमेशा प्यार और सम्मान के बारे में कविताएं लिखी। उनका जो मुख्य विषय था लव एंड ऑनर था। इस पोएम में भी उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चा प्यार हम कैसे पा सकते हैं या किसी को सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं। अबाउट द पोएम, इन दिस पोएम द पोएट प्रेजिस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सॉल एंड हेट्स फिजिकल स्वीटनेस और ब्यूटी। द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस लिरिक्स
The poet was the lovers of physical charms because they decay with the passage of time. So the passion of love also declines. On the other hand, spiritual beauty is permanent. It never dies. It rather goes in inspiring its lover with greater eagerness and power. इस पोयम में थॉमस कैरियो ने ये बताया है कि वास्तविक प्यार क्या है. वास्तविक प्यार दिमाग की सुंदरता, दृढ़ मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता ही सच्चा प्यार है. और बाकी अगर फिजिकल स्वीटनेस यानी कि शारीरिक सुंदरता से कोई प्यार करता है तो वो समय के अनुसार बदल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय आता है इंसान बूढ़ा होता है और उसकी सुंदरता समाप्त होने लगती है. तो इसी प्रकार से उसके प्रेमी की जो प्यार की भावना थी वो अपनी उस प्रेमिका में नहीं रहती है, यानी कि वो उसको सच्चा प्यार नहीं करता है. अगर शारीरिक सुंदरता से कोई प्यार करता है तो वह समय के साथ साथ खत्म हो जाता है, और अगर किसी मानसिक सुंदरता, आत्मिक सुंदरता या आध्यात्मिक सुंदरता से प्यार करता है तो हमेशा रहता है, वो प्यार कभी नहीं बनता है. अब चलो अब हम पढ़ते हैं ये पोयम जो यहाँ पर दी गई है टेक्स्ट के रूप में. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth see fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love and combine, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. जैसा कि पढ़ने से लग रहा है, आप देख रहे हैं कि थॉमस कैरियो ने जो पोएम लिखी है वो एक सिंपल मैनर में लिखी है और उनका मीनिंग बहुत आसान है. दैट लव से रोजी ची और ए कोरल लिप एडमायर्स. वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है या उसके मूंगे जैसे सुंदर होठों की प्रशंसा करता है या स्टार लाइक आईज डोसी या उसकी सितारे जैसी आंखों से प्यार करता है, ये सब चीजें फ्यूल टू मेंटेन इज फायर. ये किसी प्रेमिका के रोजी चीक्स, मूंगे जैसे हो, सितारे जैसी आंखें उसके प्रेमी के प्यार की अग्नि को बढ़ा देती है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. जो ही समय का गलियारा बढ़ता है आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, जब समय धीरे धीरे बढ़ता है और उसकी प्रेमिका बूढ़ी होने लगती है, सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसके प्यार की जो अग्नि है वो बुझ जाती है, बुझने लगती है. क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता से प्यार करता था. तो यहां पर थॉमस कैरियो कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी स्त्री की शारीरिक सुंदरता से प्यार करता है, वो सुंदरता, वो जो उसका प्यार है, वो समय के धीरे धीरे बढ़ते रहने पर,
उसका प्यार समाप्त हो जाता है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता धीरे धीरे ढल जाती है और बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है, उसका जो प्यार है वो समाप्त हो जाता है। बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, हार्ट्स विद इक्वल लव एंड कंबाइंड लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आईज। यहां पर थॉमस कैरियो कहते हैं, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जहां पर किसी का दृढ़ मस्तिष्क और शांत भाव होंगे, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, और उसको संतुष्ट, हर तरह से संतुष्ट इच्छाएं होंगी और शांत व्यक्तित्व होगा, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और उन दोनों के हृदय एक दूसरे से एक समान रूप से प्यार करेंगे, किंडल नेवर डाइंग फायर, उस प्यार की अग्नि कभी नहीं बुझ सकती, उस प्रेमी के प्यार की अग्नि कभी नहीं बुझेगी, वो हमेशा प्यार अमर रहेगा, चिरस्थाई रहेगा। वेयर दीज आर नॉट, थॉमस कैरियो कहते हैं, जहां पर दृढ़ मस्तिष्क, शांत इच्छाएं, संतुष्ट व्यक्तित्व नहीं होगा, आई डिस्पाइस, मैं ऐसी सुंदर स्त्री, चाहे उसके कितने लवली चीक्स हों, कितने प्यारे गाल हों, मूंगे जैसे होठ हों, सितारे जैसी आंखें हों, मैं उससे घृणा करता हूं। यानी कि थॉमस कैरियो कहते हैं कि जिस स्त्री का मस्तिष्क बिल्कुल दृढ़ है, वो शांत इच्छाएं वाली है और संतुष्ट व्यक्तित्व है, एक दूसरे के दुख और सुख को समझने वाली है, आध्यात्मिक सुंदरता उसके अंदर है, उसकी सोल पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो वह प्यार, उसका जो प्रेमी है, जिस अगर उसको प्यार करता है, तो उसका प्यार कभी समाप्त नहीं होगा, वह प्यार हमेशा अमर रहेगा। परंतु यदि किसी स्त्री में, किसी नारी में ये सब गुण विद्यमान नहीं है, चाहे वो कितने भी लवली चीक्स हों, कितने सुंदर गाल हों, कितने सुंदर उसके मूंगे जैसे होठ हों, कितने सितारे जैसी, कितनी अच्छी आंखें हों, तो मैं उससे नफरत करता हूं। ये पोयम आपने सुना, वास्तव में एक बहुत ही प्यारी पोयम है। इसमें थॉमस कैरियो ने आध्यात्मिक सुंदरता को बल दिया है और शारीरिक सुंदरता को इन्होंने नकारा है, कि शारीरिक सुंदरता मायने नहीं रखती। अभी यहाँ आप देख रहे हैं ग्लोसरी, जो इस स्लाइड में टिपिकल मीनिंग्स हैं या डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, और को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे कोरल लेप, मूंगा, कोरल होता है, मूंगा होता है लाल रंग का, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही सुंदर होता है, और मूंगा जब देखने में लगता बहुत ही सुंदर और लाल रंग का होता है, ऐसे होठों की इन्होंने क्या है उपमा दी है यहाँ पर। यह आपको एक्सप्लेनेशंस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दी गई है, सेकंड स्टंजा की एक्सप्लेनेशन है, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव एंड कंबाइंड लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स।
Fear these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. वास्तव में ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो अभी आपने यहाँ पढ़ी है. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है और ये एक्सप्लेनेशन के लिए कई बार स्टेंजा आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप इसको यहाँ पर भी जो पहले उसमें मिस्टेक हो गई थी प्रिंटिंग की, वो भी यहाँ भी दी गई है. दीज लाइन्स आर टेकन, या हैव बीन टेकन लिख लेना, आर टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी. तो हैव बीन टेकन कर लेना इसको यहाँ पर. ये कॉन्टेक्स्ट में देखिए, द पोएट वांट्स द लवर्स ऑफ फिजिकल चार्म्स बिकॉज दे डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम. स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट एंड इट नेवर डाइज. यहाँ पर जो थॉमस कैरियो है, जो पोएट है, वो शारीरिक सुंदरता से प्यार करने वाले प्रेमियों को चेतावनी देता है कि अगर आप शारीरिक सुंदरता से प्यार करते हैं तो आपका प्यार कुछ समय पश्चात, जब समय बढ़ेगा, समय आगे जाएगा तो समाप्त हो जाएगा. परंतु अगर आप आध्यात्मिक सुंदरता से प्यार करते हैं तो आपका प्यार स्थायी है और वो कभी नहीं मरेगा. तो ये आपकी पोयम है, एक्सप्लेनेशन है. इसके बाद यहाँ सेंट्रल आइडिया दिया गया है. सेंट्रल आइडिया में आप यहाँ देखेंगे, द पोयम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरियो. इन दिस पोयम द पोएट एडवाइजेस अस टू लव स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट. फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी, इट इज मॉर्टल, इट डाइज एज द टाइम पैसेस. फिजिकल चार्म्स आर शॉर्ट लिव्ड. The true beauty lives in virtues, strong mind, high thinking, gentle thoughts, and controlled desires. Love inspired by spiritual beauty never comes to its end, but the spiritual beauty embodied in the virtues such as constancy, gentleness, and serenity of mind never dies. So the love generated by virtuous mind and loving hearts is everlasting. ये बहुत ही सुंदर ये सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ दिया गया है. इस सेंट्रल आइडिया को, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को और एक्सप्लेनेशन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.